Hello students, in the last video we have started with the signals and system, okay, and where I have told you that what we will study in that subject and why to study the signal and system, okay. Now in this video we will start with the first topic of signal and system, okay, that is what is signals, basics of signals, okay. तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि सिग्नल्स होते क्या हैं आपके, ओके. तो बेसिक्स ऑफ सिग्नल में जो फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा कि सिग्नल्स आपका होता क्या है. तो अगर मैं बात करूं एनीथिंग विच कंटेन्ड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड सिग्नल, ओके. जैसे आप सुनते होंगे ना सिग्नल, नॉइस, ठीक है ना. तो नॉइस भी एक सिग्नल ही है, ठीक है ना, बट वो इंफॉर्मेशन हमारे काम की नहीं होती इसलिए वो हमारे लिए नॉइस बन जाती है, ओके. जैसे सपोज करिए अगर मैं अभी वीडियो बना रहा हूं इसमें अगर कोई अनएक्सपेक्टेड आवाज भी साथ साथ में आते रहे, ठीक है ना, घर घर ऐसे बजता रहे लगातार आपके लिए वीडियो में, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मेरी वॉइस इंपॉर्टेंट है, दैट इज सिग्नल फॉर यू बिकॉज इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर यू, ठीक है ना. बट जो एक्स्ट्रा आवाज आ रही होगी, एक्स्ट्रा साउंड जनरेट हो रहा होगा, दैट विल बी नॉइस फॉर यू. तो सिग्नल की बेसिक डेफिनेशन क्या है, एनीथिंग विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन, ओके. एनीथिंग विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन इज सिग्नल, क्लियर है अच्छे से. तो बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, ठीक है ना. नाउ अब यहां पर अगर मैं बात करूं कि आपके सिलेबस की, तो आपका सिलेबस जो है वो बिल्कुल टू टाइप्स के सिग्नल में डिवाइडेड है कंप्लीटली, ठीक है ना. एक है आपका कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल और एक है आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, ओके. तो ये कंप्लीट जो आपका सिलेबस है सिर्फ कंटिन्यूअस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम में ही डिवाइडेड है, ठीक है ना. कंटिन्यूअस टाइम में बेसिकली आप लोग लाप्लास, फोरियर ट्रांसफॉर्म, डिस्क्रीट में आप डीटीएफटी, डीएफटी, जेड ट्रांसफॉर्म, ये सारी चीजें स्टडी करोगे, ओके. पर अगर मैं डिफाइन करूं पहले कंटिन्यूअस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम को, तो कंटिन्यूअस टाइम आपका होता क्या है, अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लूं आपके लिए टी एक्स टी, तो कंटिन्यूअस टाइम की मीनिंग क्या है आपके लिए, इफ अ सिग्नल इज डिफाइंड फॉर ईच एंड एवरी इंस्टेंट, ठीक है ना, ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस टाइम, ओके. डिफाइन का मतलब क्या है, सिग्नल के डिफाइन होने का क्या मतलब है, ध्यान से समझिएगा. सपोज करिए ये आपका टाइम एक्सिस है, एक्स एक्सिस आपका टाइम एक्सिस है टी, और जो वाई एक्सिस है वो आपका एक्सटी एक्सिस है. जो वाई एक्सिस है एक्चुअल में आपका एम्पलीट्यूड है, एक्सटी शो करता है एम्पलीट्यूड और टी क्या शो करता है आपका टाइम, ठीक है. अब आप देखिए यहां पर जो एक्सटी है आपका टाइम एक्सिस को ध्यान से देखिए, एक्सटी आपका जीरो टू इन्फिनाइट तक, ठीक है ना, फैला हुआ है, देख लीजिए पूरा इन्फिनाइट तक जा रहा है आपका टाइम, ठीक है. और उस टाइम पे हर एक टाइम की वैल्यू पर देख लीजिए आप एम्पलीट्यूड आपका डिफाइंड है. अगर मैं बात करूं यहां पर टी आपका 1.9 है, तो देखिए उस पे आपका एम्पलीट्यूड अवेलेबल है 1.9 पर. अगर मैं बात करूं टी यहां पर आपका 2.76 है, तो इस पे भी आपका एम्पलीट्यूड अवेलेबल है. अगर मैं बात करूं यहां पर टी आपका 1000 है, तो उसमें भी आपका एम्पलीट्यूड अवेलेबल है. तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई सिग्नल आपका जीरो टू इन्फिनाइट तक फैला हुआ है या जीरो टू कहीं और तक भी फैला हुआ है, वो कहीं से भी कहीं तक फैला हुआ हो, बट जहां से जहां तक वो है सिग्नल, ठीक है ना, जहां से जहां तक उसका टाइम है, अगर हर एक टाइम पे फिर उसका एम्पलीट्यूड डिफाइंड होता है, देन दैट सिग्नल इज कॉल्ड कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, ओके. दैट मीन्स इफ अ सिग्नल इज डिफाइंड फॉर ईच एंड एवरी टाइम इंस्टेंट, देन इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, ठीक है ना, डिफाइंड फॉर ईच एंड एवरी टाइम इंस्टेंट, ओके, देन इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, ओके. क्लियर है अच्छे से यहां पर आपको. अब इसी का अगर मैं डिस्क्रीट बना दूं सेम शेप का, ठीक है, तो आप समझिएगा डिस्क्रीट किसी भी सिग्नल को अगर बनाना है आपको, कंटिन्यूअस टू डिस्क्रीट कन्वर्जन करना है अगर आपको, तो एक प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड सैंपलिंग, ठीक है ना. सैंपलिंग के थ्रू आप किसी भी कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके. तो ये जो यहां पर आपका टीएस है दैट इज कॉल्ड
सैंपलिंग टाइम एंड टीएस का जो आपका 1 अपॉन होगा विच इज एफएस 1 बाय टीएस इट इज कॉल्ड सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी. ओके, तो ये जो सैंपलिंग टाइम है सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी है इनका आप डिटेल्ड में एनालिसिस करोगे कम्युनिकेशन सिस्टम में, ठीक है ना, विच इज अ थ्योरी पार्ट ऑफ सिग्नल एंड सिस्टम. बट सिग्नल एंड सिस्टम में जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ है सिग्नल एंड सिस्टम इज अ प्योरली मैथमेटिकल सब्जेक्ट. तो यहां पर हम उसका एनालिसिस नहीं करेंगे. तो हम क्या करते हैं सिग्नल एंड सिस्टम में इस टीएस की वैल्यू को 1 ले लेते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आपका क्या हो जाता है टी इक्वल टू एन. ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं इसका डिस्क्रीट पार्ट ड्रॉ करूं यहां पर तो आप देख पाएंगे जहां पर एक्स टी था वहां क्या लिख देंगे एक्स एन, जहां पर टी था वहां लिख देंगे एन. और आप देखते भी होंगे डिस्क्रीट सिग्नल को एक्स एन से आप शो करते हो, यही रीजन है शो करने का. ओके, अब आप देखो जो कंटिन्यूअस का शेप है वैसे ही सेम आपका डिस्क्रीट का शेप हो जाएगा, उसमें आपका कोई चेंज नहीं होगा. ओके, तो आप देखिए यहां पर ये आपका जीरो पर सबसे मैक्सिमम था कंटिन्यूअस, तो ये भी जीरो पर मैक्सिमम होगा. उसके बाद आपकी लाइंस आते चले जाएंगी, सैंपल्स आपके आते चले जाएंगे. ओके, तो शेप वाइज तो बिल्कुल ये सेम होगा, देख लीजिए आप, अगर आप डॉट डॉट करके बना भी दें इसको इस तरीके से तो ये बिल्कुल सेम बनने वाला है. लेकिन अब फर्क क्या है, फर्क ये है कि जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है वो सिर्फ एन की इंटीजर वैल्यूज के लिए डिफाइन होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन. ओके, मतलब अब अगर मैं बात करूं कि 1.1 पे या 1.5 पे कितना है एम्पलीट्यूड तो आप बोलेंगे जीरो है, 2.7 पे कितना है एम्पलीट्यूड जीरो है, ठीक है ना, जबकि कंटिन्यूअस में ये 2.7 पे भी था, 1.1 पे भी था, 1.8 पे था, हर एक वैल्यू के लिए एम्पलीट्यूड आपका डिफाइन था. बट डिस्क्रीट के केस में ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ऑफ टाइम पे डिफाइंड है. ये आपको ध्यान देना होगा, एन भी आपका टाइम है, एन इज कॉल्ड डिस्क्रीट टाइम, ठीक है ना, टी इज कॉल्ड कंटिन्यूअस टाइम. तो अगर आपका सिग्नल सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक टाइम इंस्टेंट पर डिफाइन हो, ठीक है ना, स्पेसिफिक टाइम इंस्टेंट बट नॉट फॉर ऑल, ओके, बट नॉट फॉर ऑल, देन इट इज कॉल्ड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. ओके, तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्या होंगे आपके, जब आपका सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ऑफ टाइम पर डिफाइंड होगा, स्पेसिफिक टाइम पर डिफाइंड होगा पर हर एक टाइम पर डिफाइंड नहीं होगा, तो उसे आप क्या कहोगे, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. ओके, तो ये आपका बेस होता है व्हाट इज कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल एंड व्हाट इज डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. ओके, तो यहां पर हम लोग अपना एनालिसिस स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल से. ओके, तो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स में हम जो फर्स्ट टॉपिक आज स्टडी करेंगे दैट विल बी टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, या यू कैन से स्टैंडर्ड कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स. ओके, तो यहां टाइप्स में हम लोग 8 to 10 टाइप्स के कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल स्टडी करेंगे, स्टैंडर्ड कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल स्टडी करेंगे जो थ्रू आउट द सिलेबस आपके लिए यूजफुल होंगे. ओके, तो यहां पर जो फर्स्ट हमें स्टडी करना है वो है आपका स्टेप. यहां पर मैं यूनिट स्टेप का एग्जांपल ले लूंगा, स्टेप फंक्शन या यूनिट स्टेप फंक्शन. तो देखिए आप कुछ इस तरीके से आप ड्रॉ करते हैं इसे, टी यू टी. ओके, और यहां पर अगर मैं इसका यहां पर कलर आपके लिए चेंज कर दूं क्योंकि हमें यहां पर इस तरीके से इसे शो करना होगा, ठीक है ना, ये आपका इस तरीके से बनता है स्टेप सिग्नल. ओके, ये लाइन आपकी इस तरीके से होती है वर्टिकल, देन आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है. ओके, तो ये होता है आपका स्टेप सिग्नल. ठीक है, तो यहां पर आप देखिए स्टेप सिग्नल में जो यूटी होता है आपका वो क्या हो जाएगा, आपका 1 फॉर टी ग्रेटर देन 0. आप देख सकते हैं, देखिए ये आपका टाइम एक्सिस है. अगर आप इस टाइम एक्सिस को ध्यान से देखिए तो ये जितनी भी यहां पर वैल्यूज है ना वो सारी टी की वैल्यूज हैं. जैसे टी की वैल्यू यहां पर 1 होगी, यहां 2 होगी, यहां 2.7 होगी, यहां 3.99 होगी, टी की हर एक वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है ना. तो टी की वैल्यू 0 से जब ज्यादा होती है तो देखिए पूरा अप टू इनफिनाइट तक जा रहा है. तो टी की वैल्यू जब 0 से ज्यादा होती है तो यूटी कितना हो जाता है आपका 1. आप देख सकते हैं एम्पलीट्यूड आपका कितना है, 1 है, कॉन्स्टेंट है 1 पर. अगर टी की वैल्यू लेस देन 0 आप लेते हैं, देख लीजिए आप जब आप 0 से
लेफ्ट साइड जाते हैं, टी माने एक्स एक्सिस, जब आप लेफ्ट साइड जाएंगे तो यहां पर कोई एम्पलीट्यूड नहीं बना हुआ, देख सकते हैं आप, तो कितना हो जाएगा जीरो। क्लियर है अच्छे से? अब अगर मैं यहां पर बात करूं कि व्हाट अबाउट टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो पर आपका क्या होगा, ठीक है, तो टी इक्वल टू जीरो पर आपका वैल्यू आप बोलेंगे वन होगी, क्योंकि आप लोग यही पढ़ते आए हैं आज तक, ठीक है ना। बट अगर आप ध्यान से इस फिगर को समझें तो देखिए जीरो पर जो फिगर का शेप है, और सपोज करिए यहां पर 1.8 है, यहां पर 2.2 है टी की वैल्यू, तो 1.8 पर जो फिगर का शेप है, 2.2 पे जो फिगर का शेप है, और जो जीरो पे फिगर का शेप है, क्या सब सेम है आपका? नहीं। क्यों सेम नहीं है बताइए। अब देखिए यहां पर 1.8 पर यूटी जो है वो डायरेक्टली 1 है, 2.2 पर भी यूटी डायरेक्टली 1 है, या टाइम की किसी और वैल्यू पर भी यूटी आपका डायरेक्टली 1 है, लेकिन जीरो पर देखिए आप जो एम्पलीट्यूड है वो आपका जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, जीरो से स्टार्ट होता 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 कहां तक गया, वो वन तक चला गया, वो डायरेक्टली वन पर अवेलेबल नहीं था, वो टी इक्वल टू जीरो पर जीरो से स्टार्ट हुआ, वन पर गया, उसके बाद वो वन पर लगातार कांस्टेंट रहा, तो जीरो के अलावा बाकी सारी टाइम की वैल्यू के लिए वो वन पर कांस्टेंट है, लेकिन टी इक्वल टू जीरो पर, टी इक्वल टू जीरो पर जो आपका यूटी है वो डायरेक्टली वन नहीं है, वो जीरो से इंक्रीज होता होता वन पर जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि टी इक्वल टू जीरो पर यूटी के बहुत सारे एम्पलीट्यूड्स हैं, बहुत सारी वैल्यूज हैं। दैट मींस एक पॉइंट मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं कि अगर कोई भी कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल टाइम की किसी एक वैल्यू पर एक से ज्यादा एम्पलीट्यूड कंटेन करता हो तो वो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल टाइम की उस वैल्यू पर डिसकंटिन्यूअस होता है। इसका मतलब क्या है, यूटी जो है वो टी इक्वल टू जीरो पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना। If any continuous time signal having more than one values at any time instant, then that continuous time signal will be discontinuous at that time instant. So UT is discontinuous at T equal to zero. But हमें mathematically कोई ना कोई value चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं यहां पर, T equal to zero पर या कोई भी कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल अगर किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है तो अपर एम्पलीट्यूड प्लस लोअर एम्पलीट्यूड डिवाइड बाय 2 लेते हैं। तो यहां पर आप देखिए अपर एम्पलीट्यूड आपका कितना है, 1 है, लोअर एम्पलीट्यूड आपका कितना है, 0 है, तो 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1/2। ओके, तो जो आपका यूटी होगा वो t इक्वल टू जीरो पर कितना हो जाएगा आपके लिए, हाफ हो जाएगा। ओके, तो ध्यान दे रहा है हम लोग को, u जीरो इज हाफ इन केस ऑफ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स। ओके, तो ये होता है आपका स्टेप। नाउ सेकेंड सिग्नल जो है आपका स्टेप के बाद, दैट विल बी रेक्टेंगुलर पल्स, ठीक है, और इसे हम लोग गेट फंक्शन के नाम से भी जानते हैं या गेट पल्स के नाम से भी जानते हैं, स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर पल्स और गेट पल्स। इसको हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ये आपका एक सिंपल सा रेक्टेंगल है जो आपका वाई एक्सिस के क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। ओके, तो माइनस टाउ बाय 2 से प्लस टाउ बाय 2 आपकी टी की रेंज होती है। ओके, और यहां पर इसका एम्पलीट्यूड हम लेते हैं ए, और इसका रिप्रेजेंटेशन होता है आपका ए रेक्ट टी बाय टाउ। ओके, तो यहां पर देख लीजिए जो रिप्रेजेंटेशन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आपको सिर्फ रेक्ट टी अपॉन 2 दे देगा, तो आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। ये सारी चीजें हम स्टडी करेंगे, अभी हम सिर्फ फैमिलियर हो रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए ए, ए इज फॉर एम्पलीट्यूड, रेक्ट स्टैंड फॉर रेक्टेंगुलर, टी तो आपका टाइम एक्सिस है, और जो आपका टाउ है, टाउ इज द टोटल विथ, ठीक है। तो अब आप समझिए यहां पर जो आपका रेक्टेंगल या गेट फंक्शन है उसे हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो एक्स टी इक्वल टू ए, आप देख सकते हैं एक्स टी जो है ए है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, कहां से कहां तक, टी की वैल्यू माइनस टाउ बाय 2 से प्लस टाउ बाय 2। ओके, तो टी की वैल्यू अगर आप माइनस टाउ बाय 2 से
प्लस टाउ बाय 2 कंसीडर कर ले तो xt आपका क्या हो जाएगा यहां पर a हो जाएगा ओके बट व्हाट अबाउट प्लस टाउ बाय 2 और माइनस टाउ बाय 2 मतलब यहां पर क्या है आपकी xt की वैल्यू इस लाइन पर और इस लाइन पर तो अगर आप ध्यान से देखें यहां पर तो यहां पर भी xt के बहुत सारे एम्पलीट्यूड्स हैं बहुत सारी वैल्यूज हैं क्यों अगर आप एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट करें तो यहां तक आपका सिग्नल क्या था जीरो था एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या थी जीरो थी अब ये जीरो से इंक्रीज होता 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 कहां तक जा रहा है ए फिर ये अब ए पर कांस्टेंट है अब ए से डिक्रीज होता 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 कहां तक जा रहा है ये जीरो तक दैट मींस माइनस टाउ बाय 2 और प्लस टाउ बाय 2 पर आपके बहुत सारे एम्पलीट्यूड्स अवेलेबल हैं दैट मींस जो आपका xt है वो t इक्वल टू प्लस माइनस टाउ बाय 2 पर क्या है डिसकंटीन्यूअस है इसका मतलब t इक्वल टू प्लस माइनस टाउ बाय 2 पर अगर कोई वैल्यू लिखनी है आपको xt की तो आप क्या करेंगे अपर एम्पलीट्यूड प्लस लोअर एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय 2 तो अपर एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा a देख सकते हैं आप दोनों जगह लोअर एम्पलीट्यूड कितना है आपका 0 ध्यान रखिएगा ना एम्पलीट्यूड की बात कर रहा हूं जैसे सपोज करिए आप इस लाइन की बात करें अपर एम्पलीट्यूड a है लोअर एम्पलीट्यूड माइनस टाउ बाय 2 मत बोल दीजिएगा माइनस टाउ बाय 2 टाइम है ठीक है ना तो x एक्सिस में y एक्सिस की वैल्यू क्या होती है 0 एम्पलीट्यूड आपका y एक्सिस पे है ना तो अपर एम्पलीट्यूड इज a लोअर एम्पलीट्यूड इज 0 तो a प्लस 0 बाय 2 दैट मींस a बाय 2 तो ये होता है आपका स्टैंडर्ड रेक्टेंगल पल्स इस तरीके से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं क्लियर है अच्छे से नाउ नेक्स्ट जो आपका सिग्नल होता है दैट विल बी सिग्नम ठीक है ना सिग्नम फंक्शन तो सिग्नम सिग्नल स्टैंडर्ड सिग्नल है ये भी आपको पता होना चाहिए हाउ टू ड्रॉ सिग्नम ठीक है तो ये इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है आपका एक्स टी वाई एक्सिस में और टी आपका एक्स एक्सिस में और ये आपकी वैल्यू होती है 1 एंड दिस एम्पलीट्यूड इज -1 ओके तो ये होता है आपका स्टैंडर्ड सिग्नम फंक्शन तो यहां पर अगर मैं सिग्नम फंक्शन को अब डिफाइन करने के लिए जाऊं तो एक्स टी इज इक्वल टू देखिए आप 0 टू इनफिनाइट अगर आप देखें तो ये कांस्टेंट है 1 पर देखिए टी की वैल्यू पॉजिटिव साइड में पूरा वैल्यू क्या है आपकी 1 है एम्पलीट्यूड तो 1 फॉर टी ग्रेटर देन 0 सेम अगर आप नेगेटिव साइड में जाएं तो टी लेस देन 0 पर वैल्यू क्या है आपकी -1 तो -1 फॉर टी लेस देन 0 अब अगर मैं यहां पर बात करूं कि t इक्वल टू 0 पर क्या है तो t इक्वल टू 0 पर आप ध्यान से देखिएगा 0 पर जो एम्पलीट्यूड है आपका t इक्वल टू 0 पर ये आप देख सकते हैं 1 भी है और -1 भी है तो अगेन t इक्वल टू 0 पर आपके एक से ज्यादा एम्पलीट्यूड हो गए ठीक है ना ध्यान से देखिए सपोज करिए यहां पर t इक्वल टू 1 है तो t इक्वल टू 1 पे तो सिर्फ 1 ही है -1 तो नहीं है ना अगर मैं बात करूं t इक्वल टू -1 पर तो सिर्फ -1 ही है 1 तो नहीं है ना एम्पलीट्यूड पर 0 में देखिए 1 भी है और -1 भी है दोनों एम्पलीट्यूड अवेलेबल हैं इसका क्या मीनिंग है कि मेरा सिग्नम फंक्शन जो है वो t इक्वल टू 0 पर क्या है डिसकंटीन्यूअस है तो डिसकंटीन्यूअस है तो उसके लिए क्या रूल बताया हूं मैं आपको अपर एम्पलीट्यूड प्लस लोअर एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय 2 तो अपर एम्पलीट्यूड कितना है आपका 1 लोअर एम्पलीट्यूड कितना है -1 तो जो सिग्नम टी है आपका वो हो जाएगा आपका 0 फॉर टी इक्वल टू 0 ओके तो 1 प्लस -1 डिवाइडेड बाय 2 ओके तो ये हो जाएगा आपका सिग्नम टी क्लियर है अच्छे से तो आप देख सकते हैं जो मैंने अभी तक 3 सिग्नल्स आपके लिए लिए हैं फर्स्ट इज स्टेप ठीक है जिसमें हमने डिसकंटिन्यूटी का प्रिंसिपल देखा t इक्वल टू 0 पर ठीक है उसके बाद हम लोगों ने रेक्टेंगुलर पल्स लिया जिसपे हमने फिर से डिसकंटिन्यूटी का प्रिंसिपल देखा t इक्वल टू प्लस माइनस टाउ बाय 2 पर उसके बाद हम लोगों ने सिग्नम पल्स लिया उसपे हमने फिर से डिसकंटिन्यूटी का प्रिंसिपल देखा t इक्वल टू 0 पर तो इसीलिए मैंने आपके लिए बैक टू बैक ये 3 सिग्नल्स लिए हैं जिससे आपको डिसकंटिन्यूटी का जो प्रिंसिपल है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए ठीक है नाउ नेक्स्ट सिग्नल जो है आपका वो है आपका रैंप रैंप सिग्नल ओके तो रैंप क्या होता है आपका
अगर मैं यहां पर रैम को डिफाइन करने के लिए जाऊं तो रैम आपका कुछ इस तरीके से डिफाइंड होगा, ग्राफिकल एक्स टी टी ओके एंड एक स्लोप, स्लोपी लाइन आपकी बन जाएगी यहां पर, और रैम को जनरली हम आर टी से भी इंडिकेट करते हैं ओके तो अब आप यहां पर देखिए रैम को अगर मैं डिफाइन करने जाऊं, बेसिकली यूनिट रैम को अगर मैं डिफाइन करने के लिए जाऊं यहां पर, तो आर टी जो होता है आपका इट इज टी फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड जीरो लेफ्ट साइड देखिए कुछ भी नहीं है, तो फॉर टी लेस देन जीरो, तो आर टी इक्वल टू टी फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है और जीरो होता है फॉर टी लेस देन जीरो, ठीक है। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा थोड़ा ध्यान से, देखिए आपको क्या जीरो पर ये डिसकंटिन्यूअस लग रहा है? डिसकंटिन्यूअस की मैं प्रॉपर्टी क्या बताया हूं, डिसकंटिन्यूअस तब होगा कोई सिग्नल जब एक टाइम पर एक से ज्यादा एम्पलीट्यूड हो, लेकिन आप देखिए जीरो पर यहां पर एम्पलीट्यूड जीरो ही है ना, एक से ज्यादा एम्पलीट्यूड नहीं है, तो जीरो पर यह कंटिन्यूअस ही होगा, ठीक है। और देखिए आपने टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पर आर टी इक्वल टू टी लिखा है, तो टी इक्वल टू जीरो पर आर टी क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट है आपकी, टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पर आर टी किसके इक्वल हो जाएगा, टी के। और जो मैंने यहां पर आपके लिए डेफिनेशन लिखी है उसको क्या हम एक सिंगल लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक सिंपल सा आंसर करना होगा कि एक्स इंटू वन कितना होता है, बहुत सिंपल है, एक्स ही होता है, और एक्स इंटू जीरो क्या होता है, जीरो ही होता है, ठीक है। तो इसकी क्या मीनिंग होगी, यहां पर हम कैसे अप्लाई करेंगे इस कंसेप्ट को, देखो आप जो हम लोगों ने स्टेप फंक्शन पढ़ा है, तो स्टेप फंक्शन को देखो, स्टेप फंक्शन आपका पॉजिटिव वैल्यू के लिए, टाइम की पॉजिटिव वैल्यू के लिए कॉन्स्टेंट है वन पर, और टाइम की नेगेटिव वैल्यू के लिए जीरो है, ठीक है ना। तो अगर मैं किसी सिग्नल को स्टेप फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दूं तो पॉजिटिव साइड में तो वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा उस सिग्नल का, तो वो सिग्नल एज इट इज रह जाएगा क्योंकि वन इंटू एक्स क्या होता है, एक्स, बट नेगेटिव साइड में स्टेप फंक्शन क्या है, जीरो है, तो जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा उस सिग्नल का नेगेटिव साइड में, तो जीरो इंटू एक्स क्या होता है, जीरो। तो उसकी मीनिंग क्या है कि अगर आप किसी भी सिग्नल को स्टेप से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सिग्नल आपका क्या रहेगा, सिर्फ पॉजिटिव साइडेड बन जाएगा। तो आर टी को इस कंसेप्ट से हम लिख सकते हैं टी यू टी, ठीक है ना। आप देखिए अगर टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मैं करता हूं, मतलब टी की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, ठीक है, यूटी कितना होता है वन, तो आर टी इक्वल टू टी बच जाएगा, यही डेफिनेशन थी हमारी। अब टी लेस देन जीरो के लिए यूटी कितना होता है जीरो, तो जीरो इंटू टी क्या आ जाएगा, जीरो, तो टी लेस देन जीरो पे आर टी आपका क्या था, जीरो ही था, तो बिल्कुल करेक्ट है। अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आ सकता है, जो मैंने आपको एक्स्ट्रा एक कंसेप्ट बताया है उसको लेकर, कि मैंने आपको बताया है यू टी जो है वो टी इक्वल टू जीरो पर हाफ होता है, ठीक है ना, बाकी सारी वैल्यूज के लिए तो वन है वो पॉजिटिव साइड, लेकिन जीरो पर क्या होता है, हाफ होता है। तो आप देखिए अगर यहां पर आप टी इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, ठीक है ना, आपका आंसर जीरो आना चाहिए ना, टी इक्वल टू जीरो पर आर टी क्या है, जीरो है, तो यूटी तो आपका हाफ हो जाएगा, लेकिन ये टी इक्वल टू जीरो पर ये टी तो जीरो हो जाएगा ना, तो जीरो इंटू हाफ आंसर फिर से क्या हो जाएगा, जीरो। तो आप देख सकते हैं कि यू जीरो हाफ होता है, इसकी यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है ना। तो सिंपली आप आर टी को क्या लिख सकते हैं, टी यू टी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको यहां पर समझना है आपसे, एप्लीकेशन ऑफ स्टेप। तो एप्लीकेशन ऑफ स्टेप क्या होता है आपका, जब भी आप किसी भी सिग्नल को स्टेप से मल्टीप्लाई करते हो तो वो हमेशा क्या बन जाता है आपका, पॉजिटिव साइडेड, ओके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जब हम इंटीग्रेशन वगैरह भी सॉल्व करेंगे तो वहां पर लिमिट डिसाइड करने के लिए आपको ये बहुत यूजफुल होगा ये कंसेप्ट, ओके। तो स्टेप सिग्नल किसी भी सिग्नल को पॉजिटिव साइडेड बना देता है, ओके, क्लियर है अच्छे से। नाउ रैंप में एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें डिस्कस करना है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं हम लोग यूनिट रैंप पढ़ रहे हैं, तो यहां पर ये यूनिट का क्या मतलब है, एक्चुअल में यूनिट का मतलब होता है यहां पर स्लोप, ठीक है ना। तो यहां पर जो स्लोप है वो वन है, दैट मींस एम्पलीट्यूड जब वन होगा तो टाइम भी वन होगा, या आप बोल सकते हैं जब टाइम वन होगा तो एम्पलीट्यूड भी वन होगा, जब टाइम टू होगा तो एम्पलीट्यूड भी टू होगा, जब आपका टाइम थ्री होगा
तो एम्पलीट्यूड भी क्या होगा आपका 3 होगा एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो ये मतलब होता है आपका स्लोप 1 का। आप चाहे तो स्लोप निकाल कर भी देख सकते हैं, आपको पता है स्लोप अगर मैं इस लाइन की निकालूं सपोज करिए, तो ये पॉइंट क्या है 0.0 और ये पॉइंट क्या है आपका 1.1, तो y2 - y1 दैट मींस 1 - 0 डिवाइडेड बाय x2 - x1 दैट इज 1 - 0, तो 1/1 आंसर क्या हो जाएगा आपका, फिर से 1 ही आ जाएगा। सपोज करिए अगर आप इस लाइन की निकालते हैं स्टार्ट से लेकर यहां तक, तो क्या हो जाएगा ये पॉइंट 2.2 हो जाएगा, तो अगेन 2 - 0 डिवाइडेड बाय 2 - 0, तो आंसर फिर से क्या हो जाएगा 2/2 1, तो इस पूरी लाइन की स्लोप आपकी 1 होगी, ठीक है ना। ये मतलब होता है यूनिट रैंप का, क्लियर है अच्छे से। नाउ नेक्स्ट सिग्नल जो हमें अब स्टडी करना है दैट विल बी एक्सपोनेंशियल सिग्नल। ओके, तो एक्सपोनेंशियल सिग्नल आपका क्या होता है, देखिए यहां पर मैं जैसे सपोज कर ही लेता हूं e की पावर अल्फा टी, एक्स टी इज इक्वल टू e की पावर अल्फा टी, तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, आप सपोज करिए आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल आपका या तो इंक्रीजिंग बनता है या तो डिक्रीजिंग बनता है, ठीक है ना, थोड़ा कर्वी शेप होता है, लेकिन आपको ना कभी समझ में नहीं आता कि आप इंक्रीजिंग बनाओ कि डिक्रीजिंग बनाओ। तो मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताने जा रहा हूं, ये ट्रिक मैं आपको इस सिग्नल के लिए बता रहा हूं, लेकिन आप किसी भी सिग्नल में इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको कोई सिग्नल आए बनाने के लिए और आपको डाउट है कि कहां से एंड करना है कहां से स्टार्ट करना है, तो एक सिंपल सी ट्रिक आप देख लीजिए। आपको क्या करना है, टी की 3 वैल्यू लेनी है, टी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, टी इक्वल टू 0 एंड टी इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। ओके, और इन 3 टी की वैल्यूज के लिए अब आपको एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है, दैट इज आपको एक्स टी कैलकुलेट करना है। ओके, तो यहां पर आप देखिए जब आप t की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है हमारा 0। नाउ जब आप t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0 कितना होता है हमारा 1। नाउ जब आप t की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो e की पावर प्लस इन्फिनिटी कितना होता है हमारा इन्फिनिटी। ओके, तो ये आपकी वैल्यूज निकल आएंगी यहां पर, ठीक है, t की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पर, t की वैल्यू 0 पर और t की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी पर। तो आपको समझ में आ गया t की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पर एम्पलीट्यूड 0 है, मतलब यहां कहीं पर एम्पलीट्यूड क्या होगा आपका 0। ओके, नाउ t की वैल्यू 0 पर कितना है आपका 1 है, मतलब यहां पर 1 होगा। और लास्ट t की वैल्यू इन्फिनिटी पर कितना है, इन्फिनिटी मतलब ये इन्फिनाइट की तरफ चला जाएगा पॉजिटिव साइड में। ओके, तो यहां पर आप देखिए ये बन गया आपका e की पावर अल्फा टी। आपको पता था थोड़ा कर्व शेप है, बट आपको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट यहां पर पता चल गए। तो ये बेसिकली आपका क्या है, इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल। ओके, अब अगर सेम सिग्नल को मैं ut से मल्टीप्लाई कर दूं, दैट मींस अगर मैं ले लूं एक्स टी इक्वल टू e की पावर अल्फा टी ut, तो आपने अभी अभी स्टडी किया है कि जब आप ut से मल्टीप्लाइड करते हैं किसी सिग्नल को तो वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइडेड रह जाता है, मतलब उसका नेगेटिव पार्ट क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप e की पावर अल्फा टी इंटू यूटी भी बना सकते हैं। ओके, नाउ सेम कंसेप्ट आपका एप्लीकेबल होगा एक्स टी इज इक्वल टू e की पावर माइनस अल्फा टी यूटी पर। ओके, अब आप फिर से देखिए t टेंस टू इंफिनिटी पर कितना होगा एम्पलीट्यूड आपका e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, ठीक है। आप चाहें तो पहले आप e की पावर माइनस अल्फा टी के लिए बना लीजिए, उसके बाद हम e की पावर माइनस अल्फा टी इंटू यू टी के लिए बना लेंगे। नाउ t टेंस टू अगर 0 करूं तो कितना हो जाएगा एम्पलीट्यूड e की पावर 0 1, t टेंस टू अगर माइनस इन्फिनिटी करूं तो e की पावर माइनस ऑफ माइनस प्लस इन्फिनिटी कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। ओके, तो यहां पर अगर आप इसका सिग्नल अब बना लें यहां पे, तो e की पावर माइनस अल्फा टी, देखिए आप माइनस इन्फिनिटी पर कितना हो रहा है आपका इन्फिनिटी, दैट मींस इस साइड आपका इन्फिनिटी तक रहेगा। ओके, और 0 पर कितना हो रहा है 1, और यहां पर आपका इन्फिनिटी पर कितना हो रहा है 0, मतलब ये 0 की तरफ मूव कर जाएगा। ओके, तो ये आपका बन जाएगा डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल, क्लियर है अच्छे से। नाउ
अब अगर आप e की पावर माइनस अल्फा t इनटू ut करेंगे तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, ये उस केस में आपका ये नेगेटिव साइड जो है आपका वो रिमूव हो जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा आपका पॉजिटिव साइड। ओके क्लियर है अच्छे से। तो ये था आपका एक्सपोनेंशियल सिग्नल। तो एक्सपोनेंशियल सिग्नल में सबसे इंपॉर्टेंट हमने क्या पढ़ा, ट्रिक पढ़ी कि अगर आपको कोई सिग्नल समझ में ना आए तो आप क्या करिए, t की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, t की वैल्यू जीरो और t की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी पर एम्पलीट्यूड निकाल लीजिए, उससे आपको सिग्नल समझ में आ जाएगा कि कहां से स्टार्ट करना है और कहां पे एंड करना है। क्लियर है अच्छे से। नाउ नेक्स्ट सिग्नल जो हमें स्टडी करना है दैट इज द इम्पल्स सिग्नल और डेल्टा सिग्नल। ओके और आप बोल सकते हो कि ये सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल है जितने भी सिग्नल अभी तक हमने स्टडी किए हैं। ओके इंपल्स सिग्नल और डेल्टा सिग्नल, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस तरीके से शेप होता है इसका, डेल्टा टी टी। ओके और जो आपकी एक लाइन होती है यहां पर ओरिजिन पर, उसको मैं आपके लिए दूसरे इंक से ड्रॉ कर देता हूं। ये इस तरीके की आपकी ओरिजिन पर एक लाइन होती है और यहां पर वन। ओके तो अब अगर मैं यहां पर इंपल्स फंक्शन को बनाने के लिए जाऊं तो आप देख सकते हैं जो इंपल्स फंक्शन है आपका वो क्या है, डेल्टा टी जो है वो जीरो पर वन है, ठीक है ना। यही लग रहा है हम लोग को कि जो डेल्टा टी है इट इज वन एट टी इक्वल टू जीरो और इट इज जीरो फॉर टी नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब जब टी की और कोई वैल्यू आप लोगे तो सिग्नल है ही नहीं, तो जीरो है। बट क्या t इक्वल टू जीरो पे ये वन ही है या कुछ और होता है, हमें ये नॉलेज चाहिए अब, ठीक है ना। लिखा तो वन है, तो अब ध्यान से समझिए इसको, ये t इक्वल टू जीरो पर वन नहीं होता है, ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए यहां पर। ओके तो ये क्या होता है t इक्वल टू जीरो पर, तो ध्यान से देखिएगा। हमने एक फंक्शन पढ़ा था गेट फंक्शन या रेक्टेंगुलर फंक्शन। अब अगर मैं इस रेक्टेंगुलर पल्स को ध्यान से देखूं और इस रेक्टेंगुलर पल्स की अगर विथ को टेंस टू जीरो करूं, मतलब ये जो माइनस टाउ बाय टू से प्लस टाउ बाय टू तक इसकी विथ है ना, जो टाउ इसकी विथ है उसको अगर टेंस टू जीरो करूं, तो अब ऐसा मान के चलते हैं कि जब विथ को टेंस टू जीरो करते हैं रेक्टेंगुलर पल्स की तो एम्पलीट्यूड इसका टेंस टू इंफिनिटी हो जाता है, ठीक है। मतलब जिस प्रपोर्शन में आप विथ को डिक्रीज करते हो उसी प्रपोर्शन में आपका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। मतलब एक तरह से इंपल्स फंक्शन आपका इमेजिनरी फंक्शन है जो आइडियली इमेजिन किया गया है फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो जब आप रेक्टेंगुलर पल्स की विथ को टेंस टू जीरो करते हो तो उसका एम्पलीट्यूड टेंस टू इंफिनिटी हो जाता है, ठीक है। तो आपका बन जाता है एक इंपल्स। क्लियर है अच्छे से। तो यहां पर ये विथ हो गई जीरो और एम्पलीट्यूड क्या हो गया, टेंस टू इंफिनिटी। तो ये एम्पलीट्यूड होता है यहां पर इंफिनिटी एट टी इक्वल टू जीरो पर। तो फिर आप बोलोगे जब ये रेक्टेंगुलर पल्स से बनाया गया है इसका एम्पलीट्यूड इंफिनिटी होता है क्योंकि रेक्टेंगुलर पल्स की विथ को हम टेंस टू जीरो करते हैं तो एम्पलीट्यूड उतना ही बढ़ जाता है, तो फिर ये वन क्या है। तो एक्चुअल में ये जो वन है आपका इम्पल्स का जो वन है यहां पर वो शो करता है इसका एरिया। तो माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट डेल्टा टी डी टी इज इक्वल टू वन। तो वन इज द एरिया ऑफ इम्पल्स। ओके इट्स नॉट द एम्पलीट्यूड ऑफ इम्पल्स। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है आज से। तो यहां पर ये वन आया कैसे, देखिए मैंने आपको क्या कहा कि जब आप रेक्टेंगल की विथ को टेंस टू जीरो करते हो ओके तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, टेंस टू इंफिनिटी। मतलब विथ को जब आप बहुत ज्यादा लो करते हो, मतलब बहुत मिनिमम लेते हो विथ को, सपोज करो आप विथ को ले रहे हो 10 की पावर माइनस 10, तो इसका जो एम्पलीट्यूड या हाइट है वो 10 की पावर 10 हो जाती है। मतलब जिस प्रपोर्शन में आप विथ को डिक्रीज करते हो, टेंस टू जीरो करते हो, उसी प्रपोर्शन में आपका एम्पलीट्यूड टेंस टू इन्फिनिटी हो जाता है। तो आप जानते हो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, विथ इंटू हाइट विथ इंटू एम्पलीट्यूड। तो जिस प्रपोर्शन में आपका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ है उसी प्रपोर्शन में आपकी विथ डिक्रीज हुई है। तो जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो रेक्टेंगल का जो एरिया है क्या हो जाता है, वन हो जाता है। और ये कौन सा रेक्टेंगल है, ये वही रेक्टेंगल है जो आपका इंपल्स बना रहा है, तो इंपल्स का एरिया आपका क्या होता है, वन होता है। ओके क्लियर अच्छे से। तो ये कंसेप्ट होता है आपका इंपल्स का, हमको अच्छे से ध्यान रखना है इस कंसेप्ट को। ओके
नाउ इंपल्स का कंसेप्ट समझ लेने के बाद अब मैं आता हूं इसकी प्रॉपर्टीज पर, प्रॉपर्टीज ऑफ इंपल्स। तो यहां पर आप देखिए इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है स्केलिंग, स्केलिंग प्रॉपर्टी ऑफ इंपल्स, डेल्टा ऑफ ए टी। स्केलिंग मींस क्या है, जब भी आप टी के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं देन इट इज कॉल्ड स्केलिंग। ये होता है वन अपॉन मॉड ऑफ ए डेल्टा टी। ओके, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं मैं, डेल्टा ऑफ माइनस थ्री टी, ये हो जाएगा वन अपॉन थ्री डेल्टा टी। इसी कार्ड मैंने आपको यहां मॉड शो किया है। मॉड का मतलब टी के साथ चाहे माइनस कॉफिशियंट मल्टीप्लाई हो चाहे प्लस हो, आंसर हमेशा वन अपॉन प्लस ही होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी जो इंपल्स सेटिस्फाई करता है दैट इज कॉल्ड स्केलिंग प्रॉपर्टी। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी जो आपका इंपल्स सेटिस्फाई करता है दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी। जब भी आप इंपल्स को किसी भी सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है आपका एक्स ऑफ टी नॉट डेल्टा टी माइनस टी नॉट। ओके, मीन्स इंपल्स के साथ जो भी मल्टीप्लीकेशन में रहेगा वो क्या रहेगा आपका एक्स टी, और इंपल्स में टी के साथ माइनस में जो रहेगा वो हमेशा रहेगा टी नॉट। तो आपको क्या करना है, एक्स टी में टी की जगह टी नॉट पुट कर देना है, बस बाकी आपको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना है। ओके, तो ये होती है आपकी मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी जो होती है आपकी होती है इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी, टी वन से टी टू एक्स टी डेल्टा टी माइनस टी नॉट डी टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी नॉट। ठीक है ना, देखिए आप मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी के जैसे ही है बट यहां पर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, एक्स टी नॉट बचेगा, इंटू डेल्टा टी माइनस टी नॉट यहां पर नहीं रहेगा। ठीक है, अब इन दोनों प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करने के लिए अगर मैं कुछ एग्जाम्पल यहां पर कंसिडर करूं आपके लिए, तो सपोज करिए एक एग्जाम्पल है टी डेल्टा टी। ओके, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा आंसर, देखिए ऑब्वियसली बात है ये मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी है, डेल्टा टी के साथ कुछ आपका मल्टीप्लाइड है। तो मैंने आपको क्या सिखाया है प्रॉपर्टी नंबर टू में, कि डेल्टा टी के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा वो हमेशा एक्स टी होगा। तो यहां पर एक्स टी कितना है आपका, टी है। अब डेल्टा टी में टी के साथ जो माइनस में होगा वो टी नॉट होगा, यहां पर टी के साथ माइनस में क्या है, जीरो है, दैट मीन्स टी नॉट क्या है, जीरो। तो आपको क्या करना है, एक्स टी में टी की जगह टी नॉट पुट करना है, एक्स टी कितना है टी है, तो टी की जगह जीरो पुट करना है, तो पूरा आंसर क्या आ जाएगा आपका, जीरो, जीरो इंटू डेल्टा टी, आंसर विल बी जीरो। ओके, तो ये होती है आपकी मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी। नाउ एक और एग्जांपल आप देखिए यहां पर, सपोज करिए आपको एग्जांपल दिया है साइन टेन टी डेल्टा टी माइनस सिक्स डी टी एंड इट इज फोर टू इंफिनिटी। ओके, ये एक क्वेश्चन है, और सेकेंड क्वेश्चन है साइन टेन टी डेल्टा टी माइनस सिक्स डी टी और इट इज टेन टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर दोनों जगह आप बोलेंगे कि इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, तो आप बोलेंगे दोनों जगह टी नॉट की वैल्यू क्या है, सिक्स है। ठीक है, अब मैं आपको बोलूं आपको करने क्या बोला गया है, कि जो भी एक्स टी होगा मतलब जो भी डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई होगा हमेशा एक्स टी होगा, एक्स टी में आपको टी की जगह टी नॉट पुट करना है, मतलब एक्स टी में आपको टी की जगह सिक्स पुट करना है। तो आप बोलेंगे टी की जगह अगर सिक्स पुट कर दूं तो साइन टेन टी है ना, तो ये कितना हो जाएगा, साइन सिक्सटी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहां भी आप बोलेंगे साइन सिक्सटी हो जाएगा, क्योंकि यहां भी टी की जगह आप क्या पुट कर देंगे, सिक्स पुट कर देंगे, तो टेन इंटू सिक्स क्या होता है, सिक्सटी। यही तो बस करना है ना, एक्स टी नॉट आंसर होता है, मतलब टी की जगह टी नॉट। तो क्या दोनों आंसर यही आएंगे कि कुछ अलग होने वाला है, तो आप ध्यान से देखिए यहां पर लिमिट्स देखिए दोनों क्वेश्चन की अलग अलग है। तो यहां पर मैं आपको एक कंसेप्ट और बता देता हूं कि यहां पर यह आंसर तभी एप्लीकेबल होगा जब आपका जो टी नॉट है वो टी वन से टी टू के बीच में होगा, रेंज में होगा टी वन से टी टू की टी नॉट, तभी आंसर वैलिड होगा, अदरवाइज आंसर हो जाएगा जीरो। तो अब आप देखिए जो टी नॉट है सिक्स है और T1 से T2 क्या है, 4 टू इन्फिनिटी, तो क्या आपका 6 4 टू इन्फिनिटी के रेंज में आता है, यस आता है। अब आप देखिए T0 है आपका 6 और रेंज है आपकी 10 टू इन्फिनिटी,
तो क्या 6 10 टू इन्फिनिटी की रेंज में आता है? नहीं आता है। तो ये फर्स्ट वाला आंसर तो करेक्ट होगा, लेकिन सेकेंड आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। ओके, तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। क्लियर है अच्छे से? नाउ एक और एग्जांपल आप देखिए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस कंसेप्ट को। देखिए मैं यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं, इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस ओके टी माइनस सिक्स डेल्टा सिक्स टी माइनस ट्वेल्व डी टी। ओके, ये मेरा क्वेश्चन है सपोज करिए, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए क्वेश्चन में आपको लग रहा है इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी है, लेकिन इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी क्या है एक्चुअल में? इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी देखिए डेल्टा टी माइनस टी नॉट होता है, लेकिन यहां पर डेल्टा टी नहीं है, डेल्टा सिक्स टी है। मतलब सबसे पहले आपको टी में चेंज करना होगा डेल्टा टी में, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या लगाना होगा? प्रॉपर्टी नंबर वन विच इज स्केलिंग प्रॉपर्टी, डेल्टा ऑफ ए टी क्या थी आपकी? वन अपॉन मॉड ऑफ ए डेल्टा टी। तो सबसे पहले आप स्केलिंग प्रॉपर्टी लगाइए और इस सिक्स को रिमूव कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी माइनस सिक्स डेल्टा, ठीक है ना। अब आप देखिए अगर मैं यहां से सिक्स कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? टी माइनस टू, ठीक है। और जो सिक्स होता है कॉन्स्टेंट कॉमन, वो बाहर आके क्या बन जाएगा? वन बाय सिक्स बन जाएगा। यही होती है ना प्रॉपर्टी, डेल्टा ऑफ ए टी इज इक्वल टू वन अपॉन मॉड ऑफ ए डेल्टा टी, ठीक है। अब ये जो वन बाय सिक्स है वो तो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। अब आप देखिए डेल्टा टी माइनस टी नॉट, टी नॉट की वैल्यू क्या है? टू है। तो अब आपको क्या करना है? डेल्टा के साथ जो मल्टीप्लाइड है वो एक्स टी है, तो एक्स टी में आपको टी की जगह टी नॉट, दैट मीन्स टी की जगह टू पुट करना है, दैट मीन्स ई की पावर माइनस टू माइनस सिक्स, दैट मीन्स वन बाय सिक्स, ई की पावर कितना हो जाएगा? फोर आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। क्लियर अच्छे से? तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज है इंपल्स की जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। वैसे इंपल्स की एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी, जो मैं आपको चैप्टर नंबर थ्री दैट इज LTI सिस्टम में ही डायरेक्टली पढ़ाऊंगा, बट अभी के लिए जो इतनी प्रॉपर्टीज है वो आपको याद होनी चाहिए, आपके सिलेबस में यूजफुल होंगी ये। ओके, तो ये आपका सिग्नल होता है इंपल्स। नाउ नेक्स्ट सिग्नल की अगर मैं बात करूं दैट इज डीसी सिग्नल। ओके, तो आपका डीसी सिग्नल क्या होता है? डीसी सिग्नल मींस सिग्नल जो टाइम से इंडिपेंडेंट हो, मतलब टाइम की हर एक वैल्यू के लिए सिग्नल की वैल्यू क्या हो? सेम हो। जैसे मैंने लिखा एक्स टी इक्वल टू ए, तो ये हमेशा ही ए होगा, चाहे आप टाइम की कोई भी वैल्यू लिख लीजिए। मतलब जो एक्स टी है आपका वो टी पर डिपेंड नहीं करेगा। डीसी सिग्नल जो फ्रीक्वेंसी जिसकी क्या होती है? जीरो होती है, जो कांस्टेंट होता है। ओके, तो ये बहुत ही आसान है आपके लिए स्टडी कर पाना, डीसी सिग्नल या कांस्टेंट सिग्नल, एक्स टी इक्वल टू टेन, एक्स टी इक्वल टू हंड्रेड, एनीथिंग यू कैन टेक। ओके, तो ये हो गया आपका डीसी सिग्नल। नाउ नेक्स्ट सिग्नल की अगर मैं बात करूं जो हमें अच्छे से पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सिंक टी, ठीक है। तो सिंक टी क्या होता है आपका? साइन पाई टी अपॉन पाई टी। ओके, दैट इज कॉल्ड सिंक टी। अगर साइन पाई टी अपॉन पाई टी गिवन है तो यू कैन राइट एज सिंक टी। इसको अगर मैं यहां पर ड्रॉ करने के लिए जाऊं तो कुछ इस तरीके का शेप होता है इसका। ये सिग्नल मेनली आपका कम्युनिकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा यूज होता है, तो कुछ ऐसा शेप आपका बन जाता है सिंक टी का। ओके, ये इस तरीके से जाते हैं आपके शेप। नाउ यहां पर अगर आप देखें इसको तो ये जो सिंक टी है वो जीरो पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपको दिख रहा है, तो ये जीरो पर क्या होगा एम्पलीट्यूड? तो अगर आप टी की वैल्यू जीरो पुट करें यहां पर तो साइन जीरो क्या होता है? जीरो, और टी इक्वल टू जीरो पर ये पाई टी भी जीरो हो जाएगा, तो जीरो बाय जीरो का फॉर्म आ जाएगा। अगर आपको लिमिट्स आती है मैथ्स में तो आपको पता है जीरो बाय जीरो का फॉर्म वैलिड फॉर्म नहीं है, तो जब भी जीरो बाय जीरो का फॉर्म आता है हमें एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ता है। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है कि जिस वेरिएबल की वैल्यू आप पुट कर रहे हैं, जैसे यहां पर आप टी की वैल्यू जीरो पुट कर रहे हैं और उसके कारण जीरो बाय जीरो का फॉर्म आ रहा है, तो आपको यहां पर टी के रेस्पेक्ट में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहां पर आप क्या करेंगे,
साइन पाई टी अपॉन जो पाई टी गिवन है ना, उसमें आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए। तो साइन पाई टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस पाई टी, फिर पाई टी का क्या हो जाएगा, पाई, डिनोमिनेटर में भी टी के रेस्पेक्ट में करिए तो पाई टी का क्या हो जाएगा, पाई, पाई और पाई कैंसल। अब आप वो वैल्यू पुट कर दीजिए जो आपको कैलकुलेट करनी है, तो आपको टी की वैल्यू जीरो पर निकालना है, तो कॉस जीरो कितना हो जाएगा आपका, वन। तो यहां पर टी की वैल्यू जीरो पर वैल्यू आ गई सिंक टी की, वन। क्लियर है अच्छे से। नाउ अब अगर मैं यहां पर बात करूं कि ये जो पॉइंट है टी का वो क्या होगा, तो अगर आप देखें इस पॉइंट पर एम्पलीट्यूड जीरो हो रहा है, मतलब सिंक टी जीरो हो रहा है। तो सिंक टी आपका कब जीरो होगा, जब आपका साइन जीरो होगा, ठीक है ना, जो साइन थीटा की वैल्यू है वो क्या होगी, जीरो होगी। तो यहां पर आपको पता है साइन जीरो जीरो होता है, लेकिन जब आप टी की वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो आंसर तो वन है। तो अगला कब होता है साइन जीरो, साइन 180 पर, साइन पाई पर। तो यहां पर अगर मुझे साइन पाई जनरेट करना है तो टी की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, वन, नेगेटिव साइड क्या हो जाएगा, माइनस वन। अगला पॉइंट क्या होगा, अगला कब एम्पलीट्यूड जीरो होगा, मतलब पाई के बाद साइन कब जीरो होता है, साइन 2 पाई पर। तो यहां पर 2 पाई करने के लिए टी की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, 2, तो यहां पर कितना हो जाएगा, माइनस 2। क्लियर है, बस यही कंसेप्ट का हम यूज कर रहे हैं कि साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, दे ऑल आर जीरोस। सिमिलरली साइन माइनस पाई, साइन माइनस 2 पाई, दे ऑल आर जीरोस। ओके, तो ये होता है आपका सिंक टी। ठीक है, वैसे सिग्नल सिस्टम में भी जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे तो हम एनालिसिस करेंगे सिंक टी का, लेकिन कम्युनिकेशन में इसका एनालिसिस बहुत डिटेल में करेंगे। ओके, क्लियर है अच्छे से। नाउ नेक्स्ट सिग्नल आपका, नेक्स्ट सिग्नल है आपका ट्रायंगुलर पल्स, स्टैंडर्ड ट्रायंगुलर पल्स। कुछ इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं ट्रायंगुलर पल्स को, टी, दिस इज योर माइनस टी से प्लस टी, ओके, और एम्पलीट्यूड इज ए। तो एक्स टी इज इक्वल टू ए वन माइनस मॉड ऑफ टी अपॉन टी। ओके, ये होती है आपकी स्टैंडर्ड ट्रायंगुलर पल्स। तो यहां पर अगर मैं देखूं इसको, ए क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है, ठीक है। अगर आप देखिए, अगर टाइम टी की वैल्यू आप कैपिटल टी पुट करते हैं तो एम्पलीट्यूड क्या आ रहा है, आप देख सकते हैं जीरो आ रहा है, ठीक है ना। तो आप देखिए क्या जीरो आ रहा है इक्वेशन से। अगर आप स्मॉल टी की वैल्यू कैपिटल टी पुट करें तो टी बाई टी वन, वन माइनस वन जीरो, यस जीरो आ रहा है। अगर आप टाइम की वैल्यू माइनस टी पुट करें तो माइनस टी का मॉड क्या होगा, प्लस टी, तो टी बाई टी फिर से वन, वन माइनस वन फिर से जीरो, ठीक है। अगर आप टाइम की वैल्यू जीरो पुट करें, t इक्वल टू जीरो, तो देखिए जब आप t की वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा और ये क्या बचेगा, a। तो देखिए जीरो पर आपका a आ रहा है, करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। नाउ जब भी आपको कोई ट्रायंगुलर पल्स दिखे या कोई भी स्लोपी लाइन दिखे तो आपको सबसे पहले उस सिग्नल की स्लोप निकाल लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लाइन की स्लोप निकालेंगे, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर पॉइंट क्या है आपका, माइनस टी कॉमा जीरो है, और ये पॉइंट कितना है आपका, जीरो कॉमा ए है। तो इसको आप ले लीजिए एक्स वन वाई वन, इसको ले लीजिए एक्स टू वाई टू। तो स्लोप क्या होती है हमारी, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस जीरो अपॉन जीरो माइनस ऑफ माइनस टी, मतलब प्लस टी। तो स्लोप की वैल्यू आपकी आ गई ए अपॉन टी, ओके। तो आप लिख सकते हैं यहां पर a बाय टी, सेम नेगेटिव साइड क्या हो जाएगी, माइनस ए बाय टी, ठीक है ना। आपको दोबारा से यहां पर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर फिगर आपका सिमेट्रिकल है तो अगर इंक्रीजिंग a बाय टी है तो डिक्रीजिंग ऑलवेज माइनस ए बाय टी ही होगी, ओके, क्लियर है अच्छे से। अब आप चाहें तो आप फर्स्ट लाइन जो दिख रही है आपको उसका आप इक्वेशन लिख सकते हैं, सेकेंड लाइन का आप खुद से कर लीजिएगा, मैं आपको फर्स्ट लाइन का यहां पर लिख के दिखा देता हूं। तो देखिए लाइन का इक्वेशन क्या होता है आपका, y माइनस वाई वन स्लोप m x माइनस एक्स वन, ओके। तो यहां पर देखिए y एक्सिस क्या है, एक्स टी है, तो आप लिख लीजिए यहां पर एक्स टी माइनस वाई वन, वाई वन क्या है जीरो, तो माइनस जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। स्लोप क्या आई थी, a बाई टी। नाउ एक्स एक्सिस क्या है आपका, टी, तो आप लिख दीजिए टी एक्स की वैल्यू माइनस एक्स वन, एक्स वन की वैल्यू क्या है, माइनस टी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस टी।
ठीक है, तो ये लाइन का इक्वेशन आपका निकल गया, कहां से कहां तक, माइनस टी से लेकर जीरो तक, देख सकते हैं आप लोग जो टाइम की वैल्यू है वो माइनस टी से जीरो है, तो एक तरह से आपने एक्स टी की वैल्यू निकाल ली माइनस टी से जीरो तक। ओके क्लियर अच्छे से। अब अगर आप सेकेंड लाइन का इक्वेशन निकाल दें जो डिक्रीजिंग स्लोप है जिसकी, तो आपको जीरो से टी तक भी एक्स टी का इक्वेशन आ जाएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आपको खुद से करना है, ठीक है। तो ये आपके कुछ सिग्नल्स हैं कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल में, कुछ बेसिक सिग्नल्स हैं, ठीक है, जिसका हमने स्टडी किया है इस वीडियो में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको कभी एग्जाम में दिए नहीं होंगे, आपको इनका नॉलेज होना चाहिए। एग्जाम में हो सकता है सिर्फ लिख दे सिग्नम टी, तो आपको पता होना चाहिए सिग्नम टी किस तरीके से बनाया जाता है। एग्जाम में लिख दे स्टेप, तो आपको पता होना चाहिए स्टेप किस तरीके से बनाया जाता है। ओके तो ये वीडियो आपकी बहुत ही बेसिक वीडियो थी, स्टैंडर्ड सिग्नल का एनालिसिस था। अगर फिर भी आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करिएगा। ओके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी ऑपरेशन देखेंगे कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल में। ओके थैंक यू।